डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा तैयार किए गए 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ रहा है, डिफेंस में भी आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को आज सेना में शामिल किया गया है। दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया था। तस्वीरें देखिए किस तरह से 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है जो कि सेना के लिए बहुत मददगार होंगे। तस्वीरें देखिए, इस मौके पर सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ यह सफल कदम है, इसको बनाने वाले मैं सभी लोगों की सराहना करता हूं। इसके सेना में शामिल होने से सेना की ताकत बढ़ेगी। तो कहीं कहीं आर्मी चीफ ने भी कहा कि आज जो 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया है, इससे सेना की ताकत और बढ़ेगी, सेना और मजबूत होगी। तस्वीरें देखिए किस तरह से डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा ये तैयार किए गए हैं 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, और आज सेना को समर्पित कर दिया गया है आर्मी चीफ की मौजूदगी में। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है सेना को समर्पित कर दिया गया, सेना में शामिल कर दिया गया है। इसको डीआरडीओ और एलएनटी ने बनाया है, और इस मौके पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये 12 सार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना में शामिल होने पर सेना की ताकत और बढ़ेगी, और आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसकी तरफ और बढ़ रहा है। डिफेंस में और मजबूतियां मिलेगी, डिफेंस में भी आत्मनिर्भर भारत कदम बढ़ रहे हैं। नंबर एक गाड़ी आगे से लेफ्ट।